आज से ठीक एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था रेगुलर पिज्जा वर्सेस पिज्जा मेनिया डोमिनोज का। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कि आप हैंड टॉस पिज्जा एंड पैन पिज्जा के अंदर एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। सो गाइस, फाइनली आई एम हियर विद दैट कंपैरिजन वीडियो व्हिच वाज रिक्वेस्टेड द मोस्ट। पहले से ऑर्डर करके रखे हैं, सो आई हैव द पिज्जा विथ मी। सो हमने फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर करा है, तो टिपिकल अनबॉक्सिंग करूंगा नहीं। दिस इज द कौन सा वाला है भाई, रेगुलर एसटी फार्म हाउस, पता नहीं चल रहा है। ऐसे पता चलेगा कि कौन सा वाला? सीरियसली गाइस, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें से हैंड टॉस कौन सा है और पैन पिज्जा कौन सा है। मुझे बिल देख के चेक करना पड़ेगा। जो पहला वाला है वो पैन पिज्जा है, दूसरा वाला है वो हैंड टॉस पिज्जा जिसमें HT लिखा है। तो ये है आपका हैंड टॉस पिज्जा। देखा जाए तो नीचे इसका बेस पैन जैसा नहीं है। सो गाइस, दिस इज द पैन पिज्जा इनके हिसाब से, एंड इसका प्राइस आपको पड़ता है 245 अगर आप नॉर्मली लेंगे तो। इसके नीचे दिखना पड़ेगा हमको, इसका जो बेस है पैन वाला बेस। टॉपिंग के हिसाब से दिखेंगे तो आपका पैन क्रस्ट पिज्जा जैसा है, हैंड टॉस पिज्जा भी ऐसा ही है। मैं आपको एक बार करीब से लाके दिखाता हूँ कैसा है एक्चुअली में। और ये काफी मतलब अलग तरीके से थोड़ा पका हुआ है। देखिए, ये हैंड टॉस्ट है, ये वाला है, इसका क्रस्ट थोड़ा मोटा है, एंड दिस इज द पैन, द नाइस चीज पुल। इसके नीचे पूरा प्लेन है, यही था इसका डिफरेंस। लेकिन ये थोड़ा मोटा है साइज में, दिस वन इज पतला। आप अच्छे से देखिए, आपको पता चल जाएगा उतना लगभग मतलब डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, बट क्रस्ट के हिसाब से डिफरेंस पता चल रहा है। टेस्ट करके ही पता चलेगा गाइस कि कौन सा बेटर है। ऑलराइट गाइस, तो आपने सब कुछ देख लिया कि पिज्जा का प्राइस क्या है, दिखने में कैसा है, एंड क्रस्ट कैसा है। सो अभी टेस्ट करने की बारी है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में क्या है। सो पहले हम पैन पिज्जा टेस्ट करेंगे, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू पिज्जा, इसमें से अलग है और ये थोड़ा अलग है। ऊपर से तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं बट नीचे से अलग है। So we will taste it now. So अभी मैं इसको taste करूंगा and I will tell you how it is. ऐसा कोई major difference तो मुझे लगा नहीं, but इसका जो crust है थोड़ा और enhanced है मेरे हिसाब से, क्योंकि pan की वजह से उसको एक अलग टेक्सचर मिला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर चार्जिंग 30 rupees मोर। नॉर्मल हैंड टॉस पिज्जा टेस्ट करेंगे, सो अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा। डोमिनोज इज लव, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गाइस, मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकता। टेस्ट इज गुड।
इसको हम कोई रिव्यू नहीं दे रहे हैं बिकॉज एवरीबडी नोज कि डोमिनोज टेस्टी होता ही है। मेरे हिसाब से दोनों ही पिज्जा टेस्टी है एंड इफ यू वॉन्ट टू पे मोर एंड वॉन्ट टू हैव द फीलिंग ऑफ पैन क्रस्ट, इसका ज्यादा मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड आई विल एंजॉय माय पिज्जा। आई विल सी इन अनदर वन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सालों बाद पिज्जा।